लेडीज एंड जेंटलमैन हेर वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द मॉड्यूल सेवेंटी सेकेंड द नीड ऑफ अचीवमेंट नीड फॉर द पावर नीड फॉर एफिलियेशन इन तीनों को आप जोड़ेंगे पहले मैंने जैसे लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया आपको एन अचीवमेंट जो है वो हायर साइड और एन अचीवमेंट लोअर साइड फिर हमने इसको प्रॉबिलिटी आपकी इनिशियशन और आपकी सक्सेस से देखा अब हम मैयर को लेकर जाएंगे आपकी अचीवमेंट जहां पर आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जा रही है जहां पर आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द परफॉर्मेंस फीडबैक देखी जा रही है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल कितना है आपकी अटेनेबिलिटी कितनी है आपका चैलेंज कितना है टू द टास्क आपके पास कोई टास्क है तो यहां पर जैसे मैंने लास्टली मैथमेटिकल इक्वेजन से डिस्कस किया कि आपकी हायर एन अचीवमेंट है या आपकी लोअर एन अचीवमेंट है सो so, यहां पर अगर आप देखेंगे तो चैलेंजिंग टास्क को लेने के लिए आप बख हैं या आप जो हैं वो आप उसको अचीव करते हैं बेहतरीन तरीके से पर नीड फॉर पावर क्या है कि जो आप टास्क लेना चाह रहे हैं जो आप काम करना चाह रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर आप उसको इन्फ्लुएंस करते हैं फिर आप अपनी ही परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उस मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं आप इतने ज्यादा बेहतर हो जाते हैं कि मार्केट का रेट तय करते हुए यानी कंपेटिटिव मार्केट जब आती है सी पी सी के ऊपर भी आपने देखा होगा कि मार्केट तय करती है रेट आपने देखा होगा प्राइवेट मैकेनिज्म ऑफ फ्री ट्रेड के अंदर कहा जाता है कि मार्केट डिसाइड करेगी कि रेट क्या है ट्रेड क्या है तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको कंसर्न फॉर मेंटेनिंग लीडरशिप और लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप आपको मिलेगा कि अगर मैं मार्केट लीडर बनना चाहता हूं सो आई हैव ऑल द राइट टू इन्फ्लुएंस द मार्केट अच्छा राइट हो ना हो क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बोलेगी और मैक्सिमम शेयर्स भी होंगे मैं मार्केट को ड्राइव भी करूंगा मैं प्राइस कंपेटिटिव भी करूंगा और फिर मुझे मैकेनिज्म क्या देना है मुमकिन है फिर मैं कार्टस भी बना रहा हूँ और मुमकिन है मैं मोनापली uh, भी क्रिएट कर रहा हूँ और हो सकता है मैं ऑलिगोपली कर दूँ या अगर मैं इक्वल शेयर देना चाहूँ तो पार्टिसिपेटिव मार्केट बना सकता हूँ देन नीड फॉर एफिलिएशन जी हेयर इन द नीड ऑफ एफिलिएशन

पावर आप अपने लिए कर रहे हैं एफिलिएशन क्या नेटवर्किंग कंपेनियनशिप दोस्ती डेवलपमेंट। uh, अच्छा प्रॉफिट मोटिव का ग्रीड से है इसी तरीके से इसका जो है वो आपका सब लोग बेहतरीन स्ट्रक्चर के अंदर रहें नॉर्मली जो गांधी से भी आइडिया आया और बहुत से और लोगों का आया ओशो का आइडिया भी इसी तरीके से था और भी बेशुमार ऐसे आइडियाज हैं आपके बुद्धिज़्म के अंदर के जो है वो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए तो उन्होंने मज़हब को हटा कर जो है वो आश्रम ऐसे डेवलप किए कि जिसके अंदर काम होते थे काज होते थे छोटी छोटी जो है वो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई एक्टिविटीज़ हो गई कॉटेज इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई और काम शुरू हुआ सो so, यहाँ हम डिस्कस कर चुके कि करेक्टरिस्टिक्स वो क्या हैं कर जो आंट्रप्रन्य में मिलते हैं सो हु ड्राइव बाय द अचीवमेंट हु रन बाय द पावर और हु have the dire need for affiliation so these are the characteristics of entrepreneur